हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने जा रहे हैं पकोड़े। आज मौसम बहुत ठंडा है तो मन कर रहा है क्यों ना पकोड़े बनाए जाएं। तो इसके लिए मैंने आलू काट लिए हैं और प्याज काट लिया है। आलू को अच्छे से धो के, प्याज को भी धो के रख लिया है। अब हम एक पतीले में बेसन डालेंगे और उसमें सारे पोटैटोस और जो अनियन कटे हुए हैं वो डाल देंगे और थोड़े से 1 से 2 चम्मच हम चावल का आटा डालेंगे, जिससे हमारे पकौड़े क्रंची हो जाएंगे। फिर उसमें हल्दी, अजवाइन, अजवाइन डालने से गैस नहीं बनती पेट में, तो अजवाइन, नमक और मेरे पास था भुना हुआ जीरा और धनिया का मिक्स पाउडर, वो डाल दिया मैंने। और मैंने थोड़ा गर्म पानी लिया है, उसमें अच्छी तरह से इन सारी चीज़ों को मिला रही हूँ। पकौड़े जैसे थोड़ा ढीला रख रही हूँ, ज़्यादा भी पतला नहीं करना है और बेसन भी ज़्यादा नहीं डालना है, इतना डालना है कि बस थोड़ी लेयर बन जाए सब्जियों को। अब मैं कढ़ाई में तेल गर्म कर रही हूँ, अब इसमें पकौड़े बनाने स्टार्ट कर दिए मैंने। और देखो थोड़े से राशि बीच में चेक कर रही है, कितने अच्छे और क्रंची लग रहे हैं देखने में। और बीच में ये देखिए थोड़े थोड़े पत्ते डालते जा रहे हैं, ज़्यादा नहीं, ऐसे भर देने की कढ़ाई। और पहले हल्के आँच में डालना है फिर बनाना है। आज देखिए बाहर मौसम कितना है, पूरी रात से बारिश हो रही है और अभी शाम का टाइम है, 4 बजे का टाइम है और देखो क्या मौसम हो रहा है, बहुत ठंडी है। टेम्परेचर 2 डिग्री है अभी यहाँ पे हिमाचल में। और हमारे देखिए पकौड़े बन के तैयार हैं और दे दीजिए डैडी जी को खाने के। वो देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, क्रिस्पी गर्मा गर्म पकौड़े। और हमें दिए डैडी जी को, और अब जा रहे हैं मम्मी को हम देने। नीचे मम्मी लेटी हुई है, बहुत ठंड है, वो अपने रूम में और ऐसी बहू भी सब कुदे, मेरे पुत्र पकौड़े पकाए नहीं आए, वो मैं तो सुन रही थी। शाबाश शाबाश। आप भी बनाइए और गर्मा गर्म खाइए। थैंक यू।